मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, केंद्रीय बजट पेश कर मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश के 9.27% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि विकास के चार स्तंभ समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान देने के साथ बजट 75 पर भारत से 100 पर अर्थव्यवस्था का खाका देता है। बजट में 2022 से 23 में केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है। वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 के महीने के सकल जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपए हैं, जो 2017 में कर की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। डिजिटल मुद्रा के लिए एक प्रमुख धक्का में सीतारमण ने कहा कि 2022-23 से आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया गया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के स्थानांतरण से होने वाले आय पर 30% की दर से कर लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आने वाले वित्त वर्ष के लिए 39.45 ट्रिलियन रुपए अर्थात 529.7 बिलियन डॉलर का केंद्रीय बजट पेश किया, जिससे अर्थव्यवस्था में महामारी से उभरने के लिए राजमार्गों और किफ़ायती आवास पर निवेश को मजबूत किया जा सके। संसद में आज दिया गया है केंद्रीय बजट सीतारमण द्वारा पेश किया गया चौथा बजट था, जहां इस बयान की भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा के नेताओं ने सराहना की है। वहीं विपक्षी दलों ने इस मध्यम वर्ग के लिए विश्वासघात कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को 2022-23 के वित्तीय बजट के केंद्रीय बजट को शून्य राशि वाला बजट करार दिया, क्योंकि उन्होंने कामकाजी मध्यम वर्ग के लिए घोषणाओं की कमी के लिए वित्तीय विवरण की आलोचना की। मोदी गो सरकार का जीरो सम बजट वेतन भोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित युवा किसान के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने ऐसा ट्विटर पर लिखा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक, PSJ TVS आसनसोल, कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709 और टोल फ्री नंबर आर 1800-1233-9999। TMC उम्मीदवार राकेश कुमार शर्मा अपने इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नागरिकों ने उन्हें जीतने के लिए आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने भारी अंतर से जीतने का भरोसा किया है और यह रहा उनका इंटरव्यू, आइए मिलते हैं उनसे। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं राकेश शर्मा, 80 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 80 नंबर वार्ड के लोगों का सेवा करने के लिए मुझे उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। इस बार आपको क्या उम्मीद लगता है? देखिए, इस बार जो कैंडिडेट दिया गया है वो सारे कैंडिडेट के बीच में मैं भी खड़ा हूँ, सभी अपने अपने सिंबल के साथ खड़े हैं। मैं तृणमूल कांग्रेस जोड़ाफुल की तरफ से खड़ा हूँ। वार्ड में पहले भी काम हुआ है और अभी भी विगत 2 सालों में
लोगों के करीब जाना, लोगों को कोरोना काल में भी मदद करना, हमारे तृणमूल कांग्रेस के सारे कर्मी लोगों के पीछे खड़े थे। दीदी का प्रकल्प जो द्वारे सरकार, कई लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड कई लोगों को दिया गया है, कई लोगों का पेंडिंग है। द्वारे सरकार का काम भी इसके बाद इलेक्शन के बाद दीदी शायद डेट देने वाली है, लोगों तक पहुंचा है। मुझे पूरा उम्मीद है लोग दीदी के डेवलपमेंट के साथ जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ चेंजिंग आपको लगता है कि होगा कॉरपोरेशन में? चेंजिंग देखिए, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 106 वार्ड को लेकर है, सभी जानते हैं वोट तृणमूल कांग्रेस का ही बनेगा। मैं यहाँ के लोगों से, माताओं बहनों से अपील करूँगा कि आप दीदी के साथ रहें और दीदी के साथ डेवलपमेंट में सहयोग दें। जीतने के बाद आपका और क्या क्या काम करने का इस वार्ड के हिसाब से? देखिए हमारे वार्ड में तो बहुत सारा काम हुआ है, पर हमारा सबसे पहले रहेगा बहुत सारे स्कूल हैं जो जीर्ण अवस्था में पड़े हैं, क्लास 4 तक प्राइमरी है, उसको डेवलपमेंट करना है। अपने वार्ड का जहाँ तक प्रश्न है, कम्युनिटी हॉल भी हमारे वार्ड में एक होना चाहिए, जहाँ पर लोग मैरिज पर्पस या कोई भी अपना कार्यक्रम कर सके, साधारण आदमी को सुविधा हो। इससे इलेक्शन के दिन आप लोग फ्री और फेयर इलेक्शन का डिमांड किए हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों किए? फ्री एंड फेयर लोगों को मौका देना है, लोगों को पता है किसको वोट देना है। फेयर होगा इलेक्शन, सारे संतुष्ट होंगे लोगों का। उसके बाद फिर हमारा MP इलेक्शन भी है, लोगों को संतुष्टि होगा कि हमारे द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट जिसको हम वोट दिए वो है। पार्टी तो आपकी रूलिंग में है, तो ऐसे और ऐसी अवस्था में फ्री और फेयर का क्या मतलब है? आपके तो रूलिंग में है, तो देखिए फ्री एंड फेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप पूछ ली। फ्री एंड फेयर का मतलब ये है कि सुचारू रूप से जो लाइन में खड़े हैं उनको सुविधा दे, आराम से वो वोट को दे सके। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही समय है, निर्धारित समय है वोट देने का, तो हम लोग तो चाहेंगे कि शांति से लोग वोट। धन्यवाद। कितना नंबर में आपका वोटिंग होगा? हाँ, 3 नंबर बटन लगा के जोड़ा फूल में 80 नंबर वार्ड को तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को विजय बनाना। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। पश्चिम बंगाल बावरी समाज उन्नयन समिति की ओर से बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार, पश्चिम बंगाल बावरी समाज उन्नयन समिति की ओर से ऐसी कंपनी विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर उनके घरों तक पहुंचा रही है। इस तरह हमारे कैमरे में 35 वर्षीय दुलाली सूत्रधर को कैलोजोड़ा गांव में पकड़ा। घर से लड़की नहीं होने की खबर मिलने के बाद उन्होंने ज़िले में चेकअप किया अस्पताल, और कुछ ही दिन में उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। आज हम बहुत खुश हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं। আস্তিক দাস আর অজিত দাস, হ্যাঁ, এরা নিজের থেকে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এমনকি মেয়েটাকে গাড়ি করে হসপিটাল নিয়ে যেয়ে সমস্ত কাজ করে সার্টিফিকেটটি আমাদের হাতে তুলে দেন। আপনি তাদেরকে কি জানাতে চান? তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চান। আপনার নাম? আমার নাম চিন্তাহরণ শীল। আমার কাজ হচ্ছে মূর্তি তৈরি করা। This news is sponsored by India International School। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार, बाराबनी प्रखंड के केलोजोड़ा गांव के कुम्हार श्री चिंताहरण शील
करीब 70 साल से टैगोर की मूर्ति बनाने में लगे हैं। सीपीएम नेता ने शिकायत की। दिस न्यूज स्पॉन्सर बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। सीपीएम नेताओं ने शिकायत की कि सीपीएम और वाम मोर्चा के उम्मीदवारों पर आचार संहिता तख्ती से लागू की जा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, खासकर सत्ता पक्ष के नेता और कार्यकर्ता। उन्होंने आसनसोल पूर्णिमा क्षेत्र के सभी होटल और लॉज की जांच करने की मांग की चुनाव के 72 घंटे पहले, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ना हो। पर्थ मुखर्जी, अरुण पांडे, सत्यजीत चैटर्जी और तापस मुखर्जी मौजूद थे। और अधिक खबरों के बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्कूल के खेल के मैदान पर मंगलवार की सुबह से वैकल्पिक स्कूल शुरू हो गन से पवन शर्मा के अनुसार बीच में स्कूल के खुले मैदान पर मंगलवार की सुबह से वैकल्पिक स्कूल शुरू हो गया है। रानीगंज के शियारसोल राजबाड़ी के गोल बगान क्षेत्र में मंगलवार की सुबह वामपंथी छात्र संगठन ने मांग की कि स्कूल में सभी कक्षाएं स्वच्छता के नियम के अनुसार शुरू की जाएंगी। स्कूल छात्र संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रगान गाया और अंग्रेजी और बांग्ला गणित सहित विभिन्न विषयों को पढ़ाने की पहल की। सभी विषयों को ब्लैक बोर्ड पर प्रस्तुत किया गया और पाठ्यक्रम के विभिन्न अध्यायों को में पढ़ाया जाता है। संगठन के नेताओं के मुताबिक लंबे समय से स्कूल कॉलेज के प्राइमरी स्कूल लंबे समय से बंद है और इससे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या प्रभावित हुई है। और अधिक खबरों के बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्पताल के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग पर को लेकर किया प्रदर्शन। मंगलवार की रनवरी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के कर्मचारी वेतन समझौता की मांग के लिए गेट के सामने विरोध करते हैं। उनकी मांग कि हमारी वेतन में बढ़ने प्रबंधन में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए हमें इस प्रदर्शन में बैठने के लिए मजबूर किया गया है। बार बार इस अस्पताल के अधिकारियों के प्रबंधन को पत्र बनाने के लिए पत्र का अधिकार मूल्य वृद्धि के अनुसार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा वेतन 3,000 से 4,000 रुपये बहुत है, 5,000 की मजदूरी के लिए जिम्मेदार है। नियम के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों में वेतन बढ़ाने का अनुबंध है, लेकिन इस अस्पताल प्रबंधन में किसी भी चर्चा में हमारे साथ बैठना नहीं चाहती। बार बार तालबहर किया जा रहा है, जब तक वेतन समझौते के भुगतान पर चर्चा आयोजित नहीं की जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अधिक खबरों के बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस लाइक SSC, रेल, WBCS एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 9932864067 और 8116183079। सलानपुर बाराबंकी प्रखंड व सलानपुर प्रखंड में आज से ही शुरू हो गया स्वदेशी मेला। और अधिक खबरों के बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाई DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन
प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आसनसोल स्टेशन पर लाइफ वाइटल्स आउटलेट की सेवा शुरू की। मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा आसनसोल ने 31 जनवरी 2022 को आसनसोल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर लाइफ वाइटल्स और कॉम्बो पैक ब्रांड नाम के तहत डिस्पोजल बेडशीट, पिलो कवर, 3 प्लाई मास्क और N95 मास्क की बिक्री के लिए NIFRIS नीति के तहत एक आउटलेट का काम काज शुरू किया। कोविड प्रोटोकॉल फ्रेंडली ये सभी आइटम ₹50 के भीतर काफ़ी उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य सीमा के तहत बेची जाएगी। इसे रेल यात्रियों और स्टेशन के से आने जाने वाले दैनिक यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। लाइफ वाइटल्स पूर्वी भारत में सबसे बड़ी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित मास्क निर्माण इकाई है, जो रिलायंस के स्पेंसर आउटलेट, वीआईपी इत्यादि जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पादन की आपूर्ति करा रही है। लाइफ वाइटल्स पूर्वी भारत में सबसे बड़ी VIS द्वारा प्रमाणित मास्क निर्माण इकाई है, जो रिलायंस के स्पेंसर आउटलेट, वीआईपी इत्यादि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पादन की आपूर्ति करा रही है। और अधिक खबरों के बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आसनसोल मंडल के अंडाल सेदिया सेक्शन का निरीक्षण किया। आसनसोल श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने आज मंडल आसनसोल मंडल के अंडाल सैथिया सेक्शन में कादोड़ा ग्राम, उखड़ा, दुबराजपुर, चिनपाई, सिउड़ी और कुनूरी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन के आसपास के क्षेत्र, यात्री सुविधा, सुरक्षा संबंधी पहलू और सभी कार्यालय के प्रगति कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री शर्मा ने पूर्व रेलवे कर्मचारी सहकारी बैंक द्वारा आयोजित अंडाल स्थित चितरंजन संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में दीप जलाकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। इसके पहले मंडल रेल प्रबंधक ने आसनसोल के सैतिया सेक्शन तथा विंडो ट्रेडिंग निरीक्षण किया और बाद में उन्होंने ट्रक रखरखाव कार्य और ट्रक की स्थिति को जांच करने के लिए सैतिया से आसनसोल तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। श्री कौशलेंद्र कुमार वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, श्री एस चक्रवर्ती वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री एस बी सिंह वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, श्री ए के पालडिया वरिष्ठ मंडल दूरसंचार इंजीनियर, श्री खुर्शीद अहमद वरिष्ठ मंडल विद्युतीय इंजीनियर TRD, श्री अजय कुमार वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर सामान्य, श्री एस के दास वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मंडल रेल प्रबंधक के साथ उपस्थित थे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। इवन अ सिंगल थ्रेड ऑफ होप इज स्टिल अ वेरी पावरफुल थिंग, ग्रेव ऑन टू इट विथ बोथ हैंड्स एंड नेवर लेट इट गो। आशा का एक भी धागा अभी भी बहुत शक्तिशाली चीज है, इसे दोनों हाथ से पकड़े और इसे कभी ना जाने दें। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन।